गर्मी का मौसम चल रहा है, बेतहाशा बढ़ते हुए तापमान ने लोगों को झुलसा कर रख दिया है। ऐसे में जहां एक तरफ कुछ लोग वाटर पार्क में जाकर इस बेतहाशा बढ़ती हुई गर्मी से निजात पाने के प्रयास करते हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक ऐसा घटना सामने आई है जहां पर नीर निकुंज पार्क जमींदोज कर दिया गया है। आपको पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल रामगढ़ ताल क्षेत्र स्थित नीर निकुंज वाटर पार्क को जमींदोज कर दिया गया है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण में आवंटियों को पार्क से सामान ले जाने के लिए कहा था, लेकिन उसे अभी तक खाली नहीं किया गया था। शुक्रवार को पार्क के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। पार्क के इस जमीन पर प्रदेश की योगी सरकार ने कन्वेंशन सेंटर बनाने का फैसला लिया है। इस पार्क का अनुबंध 2019 में गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी GDA ने समाप्त कर दिया था। 18 साल पहले 28 अक्टूबर 2005 को रोहित अग्रवाल ने मिस्टर कुक रेस्टोरेंट के जरिए GDA के वाटर पार्क की स्थापना का एग्रीमेंट किया था। इस करार से जुड़ा पूरा करार 18 अक्टूबर 2007 में हुआ था। 8 नवंबर 2019 को वाटर पार्क का एग्रीमेंट निरस्त हो गया था। शुक्रवार को गोरखपुर के वाटर पार्क पर GDA का बुलडोजर चला। लगभग 18 साल पहले इस वाटर पार्क का संचालन शुरू हुआ था। पिछले कुछ समय से कागजी कार्रवाई को लेकर GDA प्रशासन और संचालक में विवाद और तनातनी चल रही थी, जिसका आज अंत हो गया। GDA उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि गोरखपुर में 5000 लोगों के लिए हम कन्वेंशन सेंटर बना रहे हैं, जिसे लेकर ये कार्रवाई की गई। इस कन्वेंशन सेंटर में 22 प्रकार की एक्टिविटीज पर काम किया जा रहा है। लगभग 25 एकड़ में हम यहाँ पर कन्वेंशन सेंटर बना रहे हैं। वाटर पार्क और GDA के विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि वाटर पार्क को लेकर जो बातें चल रही थी वो बहुत ही पहले खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा ये जमीन हमें पहले हैंडओवर हो गई थी, अब कन्वेंशन सेंटर पर काम शुरू किया जाना था। इसलिए आज GDA ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की है। उन्होंने कहा गुरुजी के माध्यम से यहाँ पर साफ सफाई कराई जा रही है, जल्द ही कैमरे से संगठन का कार्य शुरू हो जाएगा। GDA द्वारा कन्वेंशन सेंटर के लिए जमीन को चिन्हित किया गया है, इसे लेकर आज से काम शुरू करवाया गया है, जल्दी सेंटर का काम शुरू किया जाएगा। विकास प्राधिकरण जो है शहर वासियों के लिए 5000 लोगों की कैपेसिटी के लिए कन्वेंशन सेंटर बनाने जा रहा है, जिसके लिए इसी जमीन का जो है चिन्हीकरण हुआ है, जो टोटल 25 एकड़ जमीन है, जो चंपा देवी पार्क जिसको आप लोग कहते हैं, और बगल में जहाँ पे एक ओपन एरिया और पड़ा हुआ है, ये कुल मिला के जो लगातार पैच है ये लगभग 25 एकड़ का पैच है। तो चूंकि कन्वेंशन सेंटर के लिए हम लोग जल्दी ही UI और RFP करने जा रहे हैं, और जल्दी ही 5000 लोगों की कैपेसिटी का कन्वेंशन सेंटर की सौगात हम शहर को देंगे, तो उसी के चलते जो है उस जमीन को लेवल किया जा रहा है। और चूंकि लीज वगैरह जो था वो पहले ही खत्म हो चुका है, और कब्जा भी GDA को पहले ही पूर्व में प्राप्त हो चुका है, आज तो केवल अगले टेंडर की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए इसको जमीन को लेवल किया जा रहा है।